Dear students, assalamu alaikum. It is class 4th, subject EVS. Chapter number 7, how days and nights are formed. Exercise. अब पहले बच्चों हम इसकी exercise आप करेंगे. हमने ये पढ़ा है how days and nights are formed. अब इसकी exercise हम पर आ गए. तो पहला question हमारा है, what will you call the part of the earth which gets sunlight? तो जमीन के उस हिस्से को हम क्या कहेंगे जिसमें धूप होती है, विच गेट सनलाइट, जो गेट करती है सनलाइट को. इसका आंसर है द पार्ट ऑफ द अर्थ विच गेट्स सनलाइट इज कॉल्ड द डे. तो उसको दिन कहते हैं, जहां पर धूप होती है दिन होता है. अब दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज रोटेशन. रोटेशन क्या है, द मोमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. जो जमीन की जो मोमेंट है ऑन इट्स ओन एक्सिस, अपने महवर पर ये गर्दिश करती है, तो इसी को हम कहते हैं रोटेशन. अब तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज वन ईयर, एक साल क्या है. अब आंसर है द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन. जो जमीन पूरा चक्कर सूरज के गिर्द घूमने में लगाती है उसी को कहते हैं हम इज कॉल्ड वन ईयर. द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन, यानी जो सूरज के इर्द गिर्द घूमने में कंप्लीट जब पूरा चक्कर लगाती है, इसके सूरज के इर्द गिर्द पूरा चक्कर लगाती है ये जमीन, तो उसी को हम कहते हैं वन ईयर. तो पहले बच्चों ये आप उठाओगे और घर में याद करोगे. इट इज इनफ फॉर यू. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.